तो गाइस आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने थोड़े टाइम पहले एक मिशन को कंप्लीट किया था और उस वाला मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे कैंप के अंदर जो ये वाला हाउस था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था और हमें मिल गया था ये वाला न्यू हाउस। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मुझे मिल चुका है एक और बहुत बड़ा मिशन। और अगर आज की इस वीडियो के अंदर मैंने उस वाले मिशन को कंप्लीट किया तो मेरी कैंप के अंदर मिल जाएगा मुझे बहुत बड़ा हाउस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस कमाल के मिशन को। लेकिन इस वाले वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले अपने जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दो, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी कमाल की वीडियो स्नैप के लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस मैं जल्दी से अपनी गेम के अंदर इस वाले मिशन को स्टार्ट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं इस वाले मिशन को कंप्लीट कर दूँ और मेरी गेम के अंदर न्यू हाउस को ले लूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर इस मिशन के अंदर क्या होने वाला है और हमें इस मिशन के अंदर क्या कुछ करना होगा। तो गाइस में हमें सिंपल अपनी गेम के अंदर दो एनपीसी को किल करना होगा। उसके बाद हमारी गेम के अंदर जो पुलिस आती है उसके अंदर से हमें सिंपली 100 पुलिस वालों को स्पॉन करना होगा और उसके बाद हमें सिंपली उन पुलिस वालों के हाथ मर जाना होगा बस। और उसके बाद हमें सिंपली हमारे चैलेंज मोड पर जाना होगा और वहाँ पर हमें सिंपली जुरासिक पार्क के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाकर हमें नाइट मोड के अंदर मिनी डायनासोर को मारना होगा। और जैसे हम मिनी डायनासोर को मारते हैं तो उसके बाद हमें सिंपली टीरेक्स डायनासोर के हाथ मर जाना होगा। और जैसे हम लोग ये सारे सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें मिल जाएगा न्यू हाउस और वो वाला हाउस हमें चैलेंज मोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं अपनी गेम के अंदर मेरी प्यारी सी फेवरेट बाइक यानी कि कोबरा बाइक को लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर फाइनली मेरी आ चुकी है कोबरा बाइक। तो जल्दी से मैं इस वाली बाइक को ड्राइव करता हूँ और इसे सीधा ही ले जाता हूँ सिटी के अंदर। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सिटी के अंदर और यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं दो दो एनपीसी। एंड यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर दो दो मेन एनपीसी मिल चुके हैं। तो जल्दी से मैं इन्हें किल करने का ट्राई करता हूँ। हेलो भाई, हाउ आर यू? अबे कौन है तू? अरे यार मुझे नहीं पहचानते हो यार, पिछली वीडियो के अंदर तो आपको मारा था एंड हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको मारता आ रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है? अरे यार मैं सिखा नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ एंड आज भी मैं आपको मारने वाला हूँ। अच्छा हमको मारेगा? पिछली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार तू मेरे मुक्के से नहीं बच पाएगा। ये 5 किलो का हाथ है जिस पर पड़ता है वो पड़ता ही नहीं, उठता ही नहीं है। अच्छा तू हमको सिखा रहा है? गाइस इस वाले बंदे को इस बार मैं फिर से यहाँ पर मुक्के से मारता हूँ। एंड गाइस ये क्या है, तो 2-3 मुक्के के अंदर ही ढेर हो गया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन इसे छोड़ो, जल्दी से हम दूसरे एनपीसी को मारते हैं एंड अभी पुलिस भी आएगी। बट गाइस यहाँ पर मैंने गन नहीं ली तो यहाँ पर पुलिस भी नहीं आई। एंड गाइस ये क्या, यहाँ पर फिर से हमें वो आंटी जी मिल गई। हेलो आंटी जी। अरे यार मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर मार मार के थक चुका हूँ। अच्छा हमसे तो कंटेंट निकालता है और हमको मारने की बात करता है? आज तू मुझे हाथ मत लगाने वरना तुझे पूरी तरह से काट दूंगी। अच्छा तो हमें काटेगी? रुक तेरे को बताता हूँ। गाइस इसे मैं पूरी तरह से आज तो स्नाइपर से मारूंगा, यहाँ पर हेड पर मारूंगा। अरे कहाँ गई? अरे रुक, अरे अरे रुक जा, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको हेडशॉट दिया एंड ये कैसे यहाँ पर, अरे यार ये अपना टांग क्यों हिला रही है? आंटी जी आपको डांस नहीं करना है, आपको बस लेटर रहना है। अरे आपको एक्टिंग नहीं करनी है, बस पड़े रहो, अगली वीडियो के अंदर आपको फिर से उठना है। एंड गाइस अब मैं जल्दी से अपनी बाइक को लेकर यहाँ पर खुले मैदान के अंदर जाता हूँ बिकॉज अभी हमें 100 पुलिस वालों को स्पॉन करना है और वो कैसे करूंगा वो मुझे सब कुछ पता है। तो जल्दी से मैं अपनी, अरे यार यहाँ पर ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया? तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया, मुझे यहाँ पर गिरा दिया है। एंड अगर मैं मर गया तो ये मेरा मिशन यहाँ पर यही पर ही फेल हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी फिर से कोबरा बाइक को ले लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मेरी कोबरा बाइक आ गई है तो जल्दी से मैं इस वाली बाइक को ड्राइव करता हूँ। बट यहाँ पर ड्राइव बटन आ गया, यहाँ पर मुझे थोड़े से फिर दूर से ही जाना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पर ड्राइव बटन आ गया, जल्दी से मैं इस वाली बाइक को ड्राइव करता हूँ एंड जल्दी से खुले मैदान के अंदर जाता हूँ। मानना पड़ेगा एंड पिछली बार मैं जिस जगह पर गया था वही पर जाता हूँ। बट यहाँ पर पुलिस वाले पीछे, अरे गाइस यहाँ पर मैं गिर गया एंड हमारी हेल्थ थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। एंड अगर इस बार मैंने बाइक को ड्राइव नहीं किया तो इस बार मैं मर जाऊंगा। अरे यार जल्दी ड्राइव कर, हमें दूर जाना है एंड अभी मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा डाउन है। बट गाइस ये क्या मेरे साथ, ये कौन सा ग्लिच हो गया है? अरे यार ये कैसे यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर मैंने फिर से बाइक को ड्राइव किया बट गाइस ये क्या, इस वाले पुलिस वाले ने तो मुझे मार दिया। अब मुझे इस वाले मिशन को फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ पर सिटी के अंदर एंड अब मैं अपनी गेम के अंदर फिर से अपनी कोबरा बाइक को बुला लेता हूँ। एंड यहाँ पर आ चुकी है हमारी प्यारी सी कोबरा बाइक। तो चलो इस बार जल्दी से अपनी एनपीसी को किल करते हैं एंड इस बार मैं मुक्के बुक्के से नहीं मारूंगा, सीधा ही गन से मारूंगा। जल्दी जल्दी यहाँ पर एनपीसी को किल करते हैं। क्या सोच है रे तेरी,
मानना पड़ेगा। अरे आंटी जी इस बार तुम गई गन से, ये लो हमने यहाँ पर एक एनपीसी को मार दिया एंड सामने मुझे एक और एनपीसी मिला है, तो जल्दी से मैं इसको भी किल करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों एनपीसी को किल कर दिया है। हाँ? और अब मैं जल्दी से अपनी बाइक को ड्राइव करता हूँ और यहाँ से दूर जाता हूँ, बिकॉज इस बार भी अगर पुलिस जल्दी से आई तो मुझे मार देगी। एंड गाइस इसलिए मुझे खुले मैदान के अंदर जाना होगा और अभी तो हमें 100 पुलिस वालों को भी स्पॉन करना है। तो अब मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ कि मैं 100 पुलिस वालों को स्पॉन कर पाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे सिंपल एक छोटी सी ट्रिक को ट्राई करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये क्या, ये पुलिस वाला तो यहाँ पर उतर गया कार से, बट यहाँ पर पुलिस वाले मुझे क्यों कुछ नहीं कर रहे। हेलो भाई आप मुझे जानते हो? अरे हाँ यार मैं आपके दोस्त हूँ, आपको नहीं मारूंगा। ठीक है लेकिन मैं तो आपको मारूंगा क्योंकि मुझे अभी आपको 100 पुलिस वालों को बुलाना है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने गन लिए और इसको मारता हूँ, बट इसको तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ये मर नहीं रहा कुछ भी नहीं यहाँ पर। अरे यार मुझे यहाँ पर दोनों की दोनों कार को ब्लास्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद न्यू कार आएगी तो ही उसके ऊपर हमें ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सामने ही मुझे कार देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर आ गई है कार, बट इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस कार के अंदर से पुलिस वाले के उतरने से पहले ही उस कार के अंदर बैठ जाऊँ एंड जल्दी से मैं यहाँ पर पुलिस कार की तरफ धीरे धीरे भागता हूँ। बट गाइस यहाँ पर जो पुलिस वाला था वो उतर गया है एंड यहाँ पर मैंने कार को तो ड्राइव कर लिया, लेकिन यहाँ पर मेरा जो स्लो मोशन है वो अप्लाई हो गया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगा। एंड यहाँ पर स्लो मोशन में कैसा दिख रहा है, क्या बात है। अरे गाइस यहाँ पर इन पुलिस वालों ने तो मुझे यहाँ पर दूसरी बार भी मार दिया। साले मजाक बना के रखते हो। अब मुझे मिशन को फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं जल्दी से इस वाले मिशन को स्किप करता हूँ और सीधा पुलिस वालों के पास चलता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मैंने दो एनपीसी को भी किल कर दिया है और यहाँ पर मैं फिर से खुली जगह पर आ चुका हूँ, बट यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेरे पास पुलिस आ चुके हैं, तो जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाता हूँ वरना ये मुझे फिर से मार देगी, लेकिन इस बार मुझे नहीं मरना है। इस बार तो मुझे 100 पुलिस वालों को स्पॉन करके ही रहना है एंड इस बार मैं यहाँ पर दूर रहता हूँ यहाँ पर। अब मैं जल्दी से यहाँ पर उतर जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे जल्दी से स्लो मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ? वरना ये पुलिस वाले तो रुकते भी नहीं और थकते भी नहीं, पता नहीं कैसे चलाते हैं। एंड इस बार शायद से मैं कार के अंदर बैठ जाऊंगा, जल्दी से मैं यहाँ पर सीट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों को स्पॉन कर दिया है और अब हमें सिंपली इन पुलिस वालों के हाथों मरना है। बट ये देखो कितने ज्यादा पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं एंड ये कहाँ से निकलते जा रहे। एंड गाइस यहाँ पर इन वाले पुलिस वाले ने मुझे मार दिया। अरे यार यहाँ पर कितने सारे पुलिस वाले हैं ये देख सकते हो आप। अरे बाबा इन्होंने तो पूरी बस्ती बना डाली। हाँ? बट कोई ना, हमें सिंपली अब चैलेंज मोड पर जाना है। हाँ? और हमें सिंपली यहाँ पर जुरासिक मोड के अंदर जाना है और वहाँ पर हमें सिंपली एक मिनी डायनासोर को मारना है और फिर हमें टीरेक्स के हाथों मर जाना है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर जुरासिक पार्क के अंदर चला जाता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क के अंदर एंड अब हमें ढूंढना है मिनी डायनासोर। और जैसे मुझे मिनी डायनासोर मिल जाता है तो मैं यहाँ पर नाइट मोड को अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद हमें सिंपली उसे नाइट के अंदर ही मारना है। बट यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारा मिनी डायनासोर है कहाँ पर। तो गाइस सामने आप लोग देख सकते हो कि मुझे मिल चुका है मिनी डायनासोर, तो जल्दी से मैं यहाँ पर नाइट मोड को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरा नाइट मोड था ऑन हो चुका है एंड अब मैं जल्दी से उसको मारता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मैं उसके ऊपर फायर कर जा रहा हूँ एंड शायद से वो मर जाएगा। अरे यार वो मेरी तरफ अटैक करने को आ रहा है। हाँ? बट मैं काफी दूर हूँ तो मुझे तो मार नहीं पाएगा, लेकिन मैं उसे जरूर मार दूंगा। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने उस वाले मिनी डायनासोर को मार दिया है एंड हर बार मरने के बाद वो वहीं पर लेट जाते हैं। हाँ? मैंने सोचा कि मरने के बाद वो फिर से स्पॉन हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने मिनी डायनासोर को मार दिया है, मानना पड़ेगा। और अब मैं जल्दी से यहाँ पर नाइट मोड को फिर से ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज नाइट के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। एंड यहाँ पर मैं फिर से अपनी कोबरा बाइक को ले लेता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आ चुकी है मेरी प्यारी सी कोबरा बाइक, तो जल्दी से मैं इसे ले जाता हूँ यहाँ पर टीरेक्स डायनासोर के पास और मैं उसके हाथों मर जाता हूँ। एंड फिर देखता हूँ कि हमें हमारी चैलेंज मोड के अंदर न्यू हाउस मिलता है या फिर नहीं। एंड गाइस ये टीरेक्स मेरी तरफ अटैक करने को आ रहा है एंड इस बार तो इसने मुझे पूरा ही पूरा चबा डाला है। एंड यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर जुरासिक पार्क के अंदर टीरेक्स के हाथों मर चुका हूँ और जो हमारा मिशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हम जल्दी से यहाँ पर चैलेंज मोड पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें वो वाला मिशन मिला या फिर नहीं। एंड गाइस यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर चैलेंज मोड पर गया तो यहाँ पर मुझे न्यू हाउस का यहाँ पर न्यू चैलेंज मोड मिल चुका है। और अब हम जल्दी से इस वाले चैलेंज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे गेम के अंदर हमें किस तरह का हाउस मिला है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस वाले मिशन को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस हमारा जो ये मिशन है वो लोड हो रहा है। एंड गाइस ये क्या, हमारे गेम के अंदर मुझे मिल चुका है यहाँ पर बहुत बड़ा हाउस और जैसा मुझे मिशन के अंदर पता था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा हाउस मिला है। एंड लिटरल जो ये वाला हाउस है आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है एंड इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर 3-4 तो फ्लोर हो गए ही। एंड अब मैं जल्दी से इस हाउस को थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा देता हूँ। एंड गाइस जो ये हाउस है वो अंदर से आप लोग देख सकते हो ये कितना बड़ा है। एंड लिटरल जो ये वाला हाउस है वो हमें जो पिछले मिशन के अंदर मिला था उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये बिग साइज का हाउस कैसा लगा और आप लोगों को ये मिशन
मिशन कैसा लगा। और गाइस मैं पूरी आप लोगों को ये वाला मिशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे यस कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की मिशन और चैलेंज से भरी वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये न्यू हाउस का मिशन करके दिखाने वाला था, और आप सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बता कि आप लोगों को ये मिशन कैसा लगा, और साथ साथ आप सभी लोगों को ये बड़ा वाला हाउस कैसा लगा। और मैं आपको बता मैं न्यू हाउस के ऊपर मस्त मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं अपनी गेम के अंदर न्यू हाउस को भी लेने वाला हूँ, तो आप लोगों को वीडियो देखने में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को फटक से सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी ऐसी ही कमाल की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इस वीडियो में चैलेंज और मिशन वीडियो बनाता हूं शाम को ही बनाता हूं, और जो अपडेट वीडियो है वो आपको सुबह ही देखने को मिल जाएगी। और आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि मैं आगे से अपडेट वीडियो बनाऊं या फिर मिशन वीडियो ही कंटिन्यू करूं। बाकी गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मिशन और चैलेंज भरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।